हाँ तो फ्रेंड्स अभी जो आप ये चित्र देख रहे हैं यह कलकत्ता का एक दृश्य है कलकत्ता जो कि पश्चिम बंगाल की राजधानी है और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि यह जो कलकत्ता है जिसका मैं आपको एक मोटा मोटा अनुमान दे रहा हूँ कि यह कलकत्ता शहर किस प्रकार है जिसे महलों का शहर कहा जाता है ठीक ना तो यह कलकत्ता भारत की पुरानी राजधानी है जी हाँ कैपिटल ऑफ इंडिया यानी कि भारत की जो अभी दिल्ली नई दिल्ली राजधानी है ना इससे पहले कलकत्ता राजधानी हुआ करते था उन्नीस सौ की बात है जब जॉर्ज पंचम ने इसकी राजधानी चेंज कर दी थी कलकत्ता से जब अंग्रेजों का शासन था तो उस समय तो दिल्ली के स्थान पर यह कलकत्ता ही राजधानी थी भारत की लेकिन जब अंग्रेज उन्नीस में जॉर्ज पंचम ने विशेषकर उसी ने यह सब करवाया उन्नीस में कलकत्ता को हटाकर इसने दिल्ली को राजधानी बना दिया ठीक देखिए अभी यह कलकत्ता किस प्रकार का दिख रहा है इससे आप एक मोटा मोटा अनुमान लगा सकते हैं कि कलकत्ता किस प्रकार का है अभी तो कोलकाता हो गया है कलकत्ता तो हम इसका ना ही प्रयोग करें तो अच्छा होगा ठीक ना और यहाँ की सरकार भी काफ़ी नामी है काफ़ी प्रसिद्ध है ममता बनर्जी जिसे लोग दीदी के नाम से भी जानते हैं आप भी जानते होंगे तो आपको यह कैसा लगा शहर आप हमें बताइएगा यहाँ के लोग यहाँ की भाषा बांग्ला है और आपको मालूम ही होगा यहाँ के लोग बंगाली बंधु लोग कैसे होते हैं तो देखिए एक छोटा सा दृश्य है और हाँ ये मैं यहाँ पे थोड़ा सा बात बता दूँ कि ये जो कलकत्ता है ना कलकत्ता शहर यह हुगली नदी के तट पर है ठीक ना हुगली नदी के तट पर